हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शानू कुट्टन सीएसई क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट मैपिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट आईवो मैपिंग भी कहते हैं, और आईवो एड्रेसिंग भी हम इसी को कहते हैं, या आईवो इंटरफेसिंग टेक्निक भी इसी को कहते हैं। सो ये कब यूज होता है और कैसे वर्क करता है? जब भी कंप्यूटर्स कॉमन बस सिस्टम का यूज करते हैं टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी, आईवो डिवाइसेस एंड सीपीयू, देन इन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। तो जनरली इसमें दो तरीके हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स कम्युनिकेट कर सकते हैं आईवो डिवाइसेस के साथ, या हम कह सकते हैं देर आर टू टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग द आईवो डिवाइस बाय द सीपीयू। एक है आइसोलेटेड आईवो और दूसरा है मेमोरी मैप्ड आईवो। आइसोलेटेड आईवो को ही हम आईवो मैप्ड आईवो भी कहते हैं, या पोर्ट मैप्ड आईवो भी कहते हैं। नाउ अगर हमारा कंप्यूटर ये कॉमन बस सिस्टम यूज करता है, सीपीयू एक कॉमन बस से मेमोरी को भी एक्सेस कर रहा है और आईवो डिवाइसेस को भी एक्सेस कर रहा है, सो वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि अगर सेम लाइन पे एक एड्रेस डेटा और कंट्रोल लाइन जा रहा है तो वो मेमोरी का है या आईवो का है? तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए दो टेक्निक्स होती हैं आईवो मैपिंग की। वन इज आइसोलेटेड आईवो, अनदर इज मेमोरी मैप्ड आईवो। तो इन दोनों केसेस में एड्रेस और डेटा बस तो कॉमन होता है, ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आता है कि कंट्रोल कैसा है, ठीक है। तो अगर हम आइसोलेटेड आईवो की बात करें, तो आइसोलेटेड आईवो क्या है? जिसमें कंट्रोल लाइन सेपरेट होती है आईवो के लिए और मेमोरी के लिए, ठीक है। आईवो की कंट्रोल लाइन्स अलग होगी और मेमोरी की कंट्रोल लाइन्स अलग होगी। सो इन आइसोलेटेड आईवो सेपरेट कंट्रोल लाइन्स, ठीक है, फॉर आईवो एंड मेमोरी। एंड अब बात करें मेमोरी मैप्ड आईवो की, तो मेमोरी मैप्ड आईवो में जो कंट्रोल होता है वो कॉमन होता है, मींस कॉमन कंट्रोल लाइन है आईवो के लिए भी और मेमोरी के लिए भी, इसलिए हम उसे कहते हैं क्योंकि वो मेमोरी में मैप हो गया आईवो। सो यहाँ पे कॉमन कंट्रोल लाइंस होती हैं फॉर आईवो एंड मेमोरी। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सो नाउ फर्स्ट देखते हैं आइसोलेटेड आईवो क्या होता है। आइसोलेटेड आईवो को ही, जैसे मैंने बताया, हम आईवो मैप्ड आईवो भी कहते हैं या पोर्ट मैप्ड आईवो भी कहते हैं। नाउ इससे पहले मैंने बताया कि एड्रेस और डेटा बस इसमें कॉमन होती है, ठीक है। सो एड्रेस एंड डेटा बस आर कॉमन। सो नाउ यू कैन सी, सपोज दिस इज सीपीयू, मेमोरी एंड आईवो, जो कि सारे कॉमन बस से कनेक्टेड है। कॉमन बस का मींस इसमें यह है आइसोलेटेड आईवो में कि एड्रेस और डेटा तो सबके लिए कॉमन है, बट यहाँ पे सेपरेट रीड राइट कंट्रोल लाइन्स है आईवो के लिए अलग, मेमोरी के लिए अलग। दैट्स व्हाई हियर इट इज मेंशन दैट द एड्रेस एंड डेटा बस आर कॉमन बट सेपरेट रीड राइट कंट्रोल लाइन्स फॉर आईवो एंड मेमोरी। तो आईवो को अगर हमें रीड करना है या राइट करना है, अगर सीपीयू को, तो आईवो के लिए आईवो रीड और आईवो राइट कंट्रोल लाइन्स हो गए, एंड मेमोरी को रीड और राइट करने के लिए मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट कंट्रोल लाइन्स हो गई। तो दोनों के लिए सेपरेट कंट्रोल लाइन्स हैं रीड और राइट के लिए। देर इज नॉट अ कॉमन रीड राइट लाइन, रीड राइट कंट्रोल लाइन, इसलिए इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड आईवो, बिकॉज सेपरेट कंट्रोल लाइन्स हैं आइसोलेटेड आईवो में। नाउ इसे दूसरे तरीके से अगर हम समझें, तो अब हम एड्रेस स्पेस पहले समझते हैं क्या होता है। एड्रेस स्पेस क्या होता है? एड्रेस स्पेस मीन्स, सपोज ये एक मेमोरी है, इस मेमोरी की एड्रेस स्पेस है। एड्रेस स्पेस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एड्रेसेस दैट कैन बी जनरेटेड बाई सी पी यू इज कॉल्ड एड्रेस स्पेस। एक मेमोरी की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स इन द सी पी यू, कि नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स कितने सी पी यू में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सी पी यू का एड्रेस बिट 20 बिट्स का है, मीन्स उसकी एड्रेस लाइन कितने बिट्स की है? 20 लाइन्स है एड्रेसेस में। इट मीन्स उस मेमोरी की साइज कितनी होगी? 2 to the power 20 कितना हो जाता है? दैट इज 1 MB। तो 1 MB विल बी द मेमोरी साइज, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी ये हमने एक मेमोरी स्पेस लिया है, इस मेमोरी स्पेस का साइज है 1 MB, ठीक है, 1 MB, जिसमें हर एक वर्ड 8 bit का है। तो आइसोलेटेड आईवो में क्या होता है, डिवाइस की मेमोरी अलग होती है, जिसे हम आईवो डिवाइस की मेमोरी अलग होती है, जिसे हम कहते हैं आईवो स्पेस, और उसके एड्रेसेस को ही हम कहते हैं आईवो स्पेस। एंड मेमोरीज का एड्रेस स्पेस अलग होता है, जिसे हम कहते हैं मेमोरी स्पेस।
ठीक है। तो आइसोलेटेड आईओ में क्या है मेन इंपॉर्टेंट चीज कि आईओ डिवाइस एंड मेमोरी बोथ हैव सेपरेट एड्रेस स्पेस। ओके, तो बोथ हैव सेपरेट एड्रेस स्पेस, मेमोरी स्पेस अलग है, आईओ स्पेस अलग है, अलग से इंटरफेस रजिस्टर्स का एड्रेसेस होगा, मेमोरी के एड्रेसेस वो यूज नहीं करेंगे। तो बिकॉज ये अलग अलग हैं दोनों, इसलिए इनके लिए हमने अलग से दो कंट्रोल लाइंस भी रखी हुई हैं। मेमोरी को अगर रीड करना है तो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट कंट्रोल लाइंस का यूज होगा। अगर आईओ स्पेस को एक्सेस करना है, इसकी मेमोरी में जो डेटा स्टोर है उसे एक्सेस करना है, इसके रजिस्टर्स में जो डेटा एक्सेस करना है उसको हम आईओ रीड और आईओ राइट के थ्रू एक्सेस करेंगे। सो देर आर सेपरेट रीड राइट कंट्रोल लाइंस फॉर आईओ एंड मेमोरी ट्रांसफर। सो कौन कौन से हैं आईओ ट्रांसफर के लिए, इसे ही हम स्पेसिफिकली अगर बताएं, आईओ रीड आईओ राइट आईओ ट्रांसफर के लिए है, मेमोरी रीड मेमोरी राइट मेमोरी ट्रांसफर के लिए है। ओके, नाउ बिकॉज ये अलग से है आईओ स्पेस, तो आईओ स्पेस अगर अलग से है तो मेमोरी रीड और मेमोरी राइट करने के लिए हम जनरली मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। बट आईओ को अगर एक्सेस करना है तो हमें इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लगेंगे, तो उसमें स्पेशल कमांड्स आते हैं इन एंड आउट, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए या उसमें से डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होंगे। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोलेटेड आईओ में। और मेमोरी ट्रांसफर में हमें सिर्फ मूव इंस्ट्रक्शन लगता है जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, लोड एंड स्टोर भी लगता है। नेक्स्ट अब आते हैं इस आइसोलेटेड आईओ क्यों कह रहे हैं, व्हाई इट्स कॉल्ड आइसोलेटेड आईओ, बिकॉज आईओ एड्रेसेस आइसोलेटेड हैं, ठीक है, इट बिकॉज इट आइसोलेट्स आईओ एड्रेसेस फ्रॉम मेमोरी एड्रेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड आईओ। नाउ दूसरा आता है पोर्ट मैप्ड आईओ क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो एड्रेसेस आईओ स्पेस के हैं इन एड्रेसेस को हम पोर्ट्स भी कहते हैं और ये मेमोरी से सेपरेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोर्ट मैप्ड आईओ। द एड्रेस फॉर आईओ हियर इज कॉल्ड पोर्ट्स, हेंस इट इज कॉल्ड पोर्ट मैप्ड आईओ। इसे हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, सपोज ये सीपीयू है, तो सीपीयू में आप देख रहे हैं जो कॉमन बस है यहाँ पे एड्रेस बस, डेटा बस और ये कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस तो कॉमन है, डेटा बस भी कॉमन है, लेकिन यहाँ अलग अलग क्या दिख रहा है, मेमोरी रीड मेमोरी राइट सिग्नल है, अलग से आईओ रीड आईओ राइट सिग्नल है, ये कंट्रोल्स को शो कर रहा है। यही चीज इसको थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं जो कि दोनों सेम है। नाउ अब इसका इंपॉर्टेंट चीज, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हम पूरा मेमोरी स्पेस का यूज कर सकते हैं बिकॉज आईओ का स्पेस हमने अलग कर दिया है, ठीक है, तो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लग रहे हैं आईओ डेटा ट्रांसफर के लिए, हमें अलग से इन और आउट इंस्ट्रक्शंस का यूज करना पड़ रहा है रेदर देन द मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इसी वजह से ये लेस फ्लेक्सिबल भी है, लेस फ्लेक्सिबल फॉर प्रोग्रामिंग बिकॉज वी रिक्वायर सम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर इनपुट आउटपुट रेदर देन मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज मेमोरी मैप्ड आईओ। नाउ मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या होता है, एड्रेस डेटा एंड कंट्रोल बस ये तीनों कॉमन होते हैं आईओ डिवाइसेस एंड मेमोरी दोनों के लिए। सो हियर यू कैन सी एड्रेस भी कॉमन है, डेटा भी कॉमन है जो कि पहले भी था आइसोलेटेड आईओ में, यहाँ पे कंट्रोल्स भी कॉमन है आईओ एंड मेमोरी के लिए। तो अलग से मेमोरी रीड मेमोरी राइट या आईओ रीड आईओ राइट नहीं है, एक कॉमन रीड राइट कंट्रोल लाइंस होगी जो कि मेमोरी को भी एक्सेस करने में यूज होगी और आईओ को भी एक्सेस करने में यूज होगी, ठीक है। नाउ इसे समझने के लिए हम एड्रेस स्पेस का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आईओ डिवाइसेस और मेमोरी एक कॉमन एड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं, ठीक है, देयर इज अ सेम एड्रेस स्पेस फॉर मेमोरी एंड आईओस। तो आईओ स्पेस मेमोरी स्पेस अलग अलग नहीं है यहाँ पे, जैसा कि आइसोलेटेड आईओ में होता था मेमोरी स्पेस अलग होता है आईओ स्पेस अलग होता है, बट यहाँ पे आईओ भी मेमोरी स्पेस को ही शेयर करते हैं। इसकी वजह से होती दिक्कत ये है कि जो मेमोरी की एड्रेसिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज हमने कुछ पोर्शंस उसमें से आईओ के लिए दे दिया है, कुछ पोर्शंस आईओ का डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, तो डेट्स वाई ये जो रेंज ऑफ एड्रेसेस दिख रहे हैं, रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेसेस हैं, ये असाइंड हो गए हैं आईओ ट्रांसफर के लिए, इसलिए इस हम कहते हैं मेमोरी मैप्ड, क्योंकि आईओ मैप हो गया है मेमोरी में, मेमोरी के थ्रू वो एक्सेस हो रहा है, ओके, उसका जो भी डेटा है। तो यहाँ पे इंटरफेस रजिस्टर्स पार्ट हो गए हैं मेमोरी स्पेस के ही। नाउ यहाँ पे बिकॉज अलग से आईओ स्पेस नहीं है तो हम
कॉमन रीड राइट लाइन्स के थ्रू ही आईवो एंड मेमोरी दोनों का ट्रांसफर परफॉर्म कर सकते हैं. दैट्स वाई सिंगल सेट ऑफ रीड एंड राइट कंट्रोल लाइन्स फॉर बोथ आईवो एंड मेमोरी ट्रांसफर. यहाँ पे हमने कॉमन रीड राइट कंट्रोल लाइन्स इसीलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे एड्रेस स्पेस सेम है, सेम एड्रेस स्पेस फॉर आईवो डिवाइस एंड मेमोरी. ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हम आईवो को एक्सेस करेंगे तब भी वो मेमोरी ट्रांसफर जैसा ही लगेगा. दैट्स वाई आईवो ट्रांसफर लुक्स लाइक मेमोरी रीड एंड राइट. मेमोरी रीड एंड राइट करेंगे बट अलग कैसे होगा, कब मेमोरी हो रहा है एक्सेस, कब आईवो डिवाइसेस हो रहा है एक्सेस, ये पर्टिकुलर एड्रेस रेंज से समझ में आएगा. अगर ये वाली रेंज को एक्सेस करें इट मीन्स आईवो ट्रांसफर परफॉर्म हो रहा है, अगर यहाँ यहाँ वाली एड्रेस रेंज हम एक्सेस करें इट मीन्स वो मेमोरी ट्रांसफर परफॉर्म हो रहा है. बट हमेशा क्या लगेगा, जब भी आईवो ट्रांसफर होगा तब कि मेमोरी ही रीड राइट हो रही है. सो अलग से हमें कोई स्पेशल कमांड नहीं चाहिए आईवो ट्रांसफर के लिए. नो स्पेशल कमांड्स फॉर आईवो ट्रांसफर, जैसे कि आइसोलेटेड आईवो में हम इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते थे. तो मूव को ही हम यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म आईवो एंड मेमोरी ट्रांसफर. ओके, इसे हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखिए सीपीयू एड्रेस लाइन से कनेक्टेड है, डेटा लाइन से कनेक्टेड है और आईवो एंड मेमोरी दोनों कॉमन कंट्रोल सिग्नल्स को शेयर कर रहे हैं. रीड और राइट दोनों के लिए कॉमन है, अलग से मेमोरी रीड या आईवो रीड नहीं है. अब इसका एडवांटेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज ये है कि सिर्फ ये सिंगल सेट ही यूज़ कर रहा है रीड राइट सिंगल सिग्नल का, तो सीपीयू को ये डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेमोरी को एक्सेस कर रहा है या आईवो को एक्सेस कर रहा है, बिकॉज वो रीड राइट दोनों के लिए कॉमन है. तो एड्रेस रेंज से समझ में आएगा कब मेमोरी एक्सेस हो रही है, कब आईवो एक्सेस हो रहा है ट्रांसफर के लिए. सेकेंड, स्पेशल आईवो इंस्ट्रक्शंस की इसमें नीड नहीं है. और थर्ड मेन पॉइंट कि बहुत से कंप्यूटर सिस्टम्स मेमोरी मैप्ड आईवो का ही यूज़ करते हैं बिकॉज प्रोग्रामिंग करनी ईजी हो जाती है. आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि कब मेमोरी एड्रेस हमें डालना है, कब हमें आईवो एड्रेस डालना है, या कब हमें आईवो इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है, कब हमें मेमोरी इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है. सो दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर प्रोग्रामिंग. दैट्स वाई मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम यूजेज मेमोरी मैप आईवो. अब इसका डिसएडवांटेज भी इम्पॉर्टेंट है. डिसएडवांटेज क्या है? बिकॉज हम इस मेमोरी स्पेस में से कुछ पोर्शन आईवो के लिए दे दे रहे हैं, ठीक है, कुछ एड्रेसेस आईवो को दे दे रहे हैं, इससे मेमोरी की रेंज कम हो जा रही है. दैट्स वाई इट रिड्यूसेज मेमोरी एड्रेस रेंज अवेलेबल बिकॉज एड्रेसेस आर असाइन टू आईवो एड्रेसेस. सो दिस इज आईवो मैप्ड आईवो एंड मेमोरी मैप्ड आईवो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो.